I know the last video was abruptly over. उसको मैं अब दिखा दूंगा. No, trust me, पूरा. चिगारा किसी को नहीं छोड़ता. चुप है. पर जहां से वीडियो हमने खत्म किया था, अब वहीं से आगे बढ़ा देता हूं. मैं एंडिंग आपको दिखा देता हूं. एंडिंग में ये रो रही थी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. पुराना वीडियो से. स्टिल आई कांट रिकवर फ्रॉम दिस ओवर एक्टिंग. आज मेरा सपना पूरा. किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोदी जी की बात कर रहा हूं. सर किसको वेव कर रहे हो? कोई नहीं है पीछे. ये मोदी जी वेव कर रहे हैं. किसको कर रहे? कोई है नहीं पीछे. आंटी रो रही है. भाई बहनों. एंड आफ्टर दैट शी बिकेम अ गुड मीम मटेरियल. आज मेरा सपना पूरा. एंड शी गेव हर इंटरव्यू. ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है. नहीं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है. जब उनका पैर देखे उतरते, बोले मोदी जी हैं. लग रहा है कि भगवान का पैर देख रहे हैं. एंड दिस वीक वाज ऑल अबाउट क्राई. पहले ये रोई, फिर मोदी जी ने कहा यार तू रो रही है, मैं अभी तक नहीं रोया. एक ही बार हुआ है तो मैं भी रो लेता हूं. कोई गलती ना हो जाए. तो या बस यही रोना धोना चल रहा है. इलेक्शन के बाद जनता ना रो दे, बस यही हमारी फिक्र है. सोच समझ के वोट करना दोस्तों. अभी मुंबई में क्या हो रहा है देख रहे हो ना आप. अपनी सुविधाओं के लिए वोट करो, ना कि किसी नेता की बातों में आके. आइए बहनों, इफ यू लाइक द सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो तो करना. एंड हाँ, मुझे पता है इस वीडियो में बीजेपी का ऐड आया था. आप में से बहुत लोग लिखोगे हाँ उनके पास पैसा है, आपके पास शेयरिंग का पावर है. ये वीडियो आप 8 लोगों के साथ शेयर कर दो. लव यू 3000 तो करना. सो दैट वाज द एंडिंग ऑफ लास्ट वीडियो. और इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए खाने के लिए कुछ रखा है. कॉम्पनसेट कर रहा हूं. या अब आया हूं तो आपको कुछ तो बता के जाऊंगा. नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन. ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट मोदी जी का रिटायरमेंट एंड हाउ अडवाणी जी इज फीलिंग. और स्पर्म बैंक तक बात चली गई, वो भी बात करेंगे. दो तीन वायरल वीडियोज है उस पर भी बात करेंगे. बट इलेक्शन कमीशन, नो सीरियसली, श्याम रंगीला रिजेक्ट हो जाता है, अमृतपाल सिंह एक्सेप्ट हो जाता है. द फोर्थ फेज ऑफ द इलेक्शन इज ओवर. इन दिस फेज इज इलेक्शन मैजिक वॉज हैपनिंग. मतलब साइकिल का बटन दबाओ, कमल का फूल निकल रहा है. कहीं पे सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो रहे हैं, कहीं पे पोलिंग बूथ में घुस गए लोग. हो क्या रहा है? इसी पर हो जाएगी बात. यह है कि चुनाव के चिन्ह बदल गए, चुनाव के चिन्ह बदल गए. और जुल्म है कि वो मानते ही नहीं. यू नो, भर भर के वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं. ये बटन दबाया तो वो निकल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. बहुत सारे वीडियोस हैं, बट जो कंफर्म्ड केसेस हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे. हम अफवाह अफवाह नहीं फैलाएंगे क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है. दलाल ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती आहे. ज्या ठिकाणी हे ईव्हीएम मशीन ठेवलेले आहे तिथले सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती समोर येते आहे. तर सकाळपासून सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती आहे. और गोदी मीडिया वाला एक बात भी नहीं कर रहा है. 45 मिनट तो ज्यादा टाइम हो गया. मेरे पंडर लोग तो 2 मिनट में कमाल दिखाते. शर्म आनी चाहिए आपको सब कर. चलो वो 45 मिनट में आपको दिख नहीं रहा क्या हुआ, पर यहाँ तो साफ दिख रहा है. या शी वेंट इन द पोलिंग बूथ. देश संकट में है. कंप्लेन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर एंड देर आर सो मेनी वीडियोज यार. दीज आर द इश्यू द न्यूज चैनल शुड रेज. पर हम बात कर रहे हैं दलाल. होप ये जो पूरी वोटिंग प्रोसेस हुई है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हुई होगी. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन द इलेक्शंस. आफ्टर द रिलीज ऑफ मिस्टर केजरीवाल द एंटायर गेम इज एक्चुअली चेंजिंग. दैट पन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस इलेक्शन. मैं कह रहा था कि अपोजिशन वो पन मिस कर रही है. वही पन, जगीरा वाला पन, वो आ रहा है. जस्ट चेक दैट आउट. मेरी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके. मारकाट मचा देंगे. देख रहे, जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है तब से रूलिंग पार्टी अपोजिशन वालों से बस यही सवाल पूछ रही थी, जगीरा की तरह. हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? एंड द वे इज अटैकिंग ऑन रूलिंग पार्टी एंड स्पेसिफिकली योगी जी. योगी सोचोगे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था. तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा,
लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। सो सही खेल रहे केजरीवाल साहब, लगे रहो। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। सही पन यूज कर रहे हैं, हिज एवरी मूव इज बैंग ऑन। मोदी जी गारंटी चल रही थी, केजरीवाल साहब मेरी 10 गारंटी ले लो जी, ये सब सोची उन्होंने, बढ़िया है। एंड दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग, व्हेन यू नो द डेडलाइन, इनको पता है कि मुझे 20 दिन बाद जेल जाना है, तो लगा देता हूँ पूरी एनर्जी, रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। द इफेक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, ये रिटायरमेंट वाला जो इन्होंने बोला है, मोदी जी के डाई हार्ड फैंस कहां 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 सोच रहे हैं, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बुरे लोग नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हम इज्जत से बात करें, हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग है। सो द थिंग इज, जस्ट रीड दिस पोस्ट। Yeah, this post was going viral and they are talking about exclusive sperm bank. Yeah, ये viral हो रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, ये चल रहा है, लोग सोच रहे हैं। Can you imagine that? How deeper this entire thing is affecting them? And if you put thought over it, थोड़ा सोचोगे ना आप, तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो मोदी जी, seriously? ये सब, और फिर एक और theory निकाल के लाया है। And in this entire retirement conspiracy, did you recall this picture? And let me tell you, this picture became a meme. It was like the dude who stole your girlfriend. Because us time Advani ji bhi Pradhan Mantri ki race mein the, par unhone Modi ji ko mauka diya. Aap dekho, samay ka pahiya phir ghum ke aa raha hai. Ye sawal inke dimag mein aise hi nahi aa gaya. Ya to Pradhan Mantri ji keh dein ki wo niyam ab mere upar lagu nahi hoga, Advani ji ke liye banaya tha wo. Ya to wo keh dein, lekin just look at this picture. Can you recall that? And please don't connect the dot, the retirement and the capital of a district. Just listen to me. बहुत चला है इस वीक, बहुत लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल निकाला है, सुन लो। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप, who will ask for the capital of your district? And trust me, if this will go on and on and on like this, Odisha ke jilon ke naam boliye aur jilon ke capital ke naam boliye. Kahi Modi ji aam janta ke liye na kar de ki sir mujhe job nahi mil rahi, apni district ka capital batao. Sir acche din, jilon ke capital ke naam boliye. Sir black money ka kya hua, jilon ke capital ke naam boliye. But all I want to say this on this entire district ka capital thing, ho jata hai. सच्ची हो जाता है। क्या है, जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हो तो ऐसी गलतियां हो जाती है, हो जाती है। सो इट्स प्रीटी ओके गाइस, ट्रोलिंग इज नॉट गुड एट ऑल, बट या बिकॉज हाउ कैन वी फॉरगेट दिस वीडियो, समय पूरा और 180 डिग्री घूमता है। आई मस्ट से पोए अडवाणी साहब, कोई बात नहीं, सरक सरक उधर, यू नो ऑन दिस इंटायर रिटायरमेंट थिंग, पीपल शुड गो टू मिस्टर एल के अडवाणी और उनसे पूछना चाहिए, सर मजा आ रहा है? इन दिस इलेक्शन वी आर गेटिंग सो मेनी इंटरेस्टिंग वीडियोस। कुछ वीडियोस में आपको अहंकार दिखता है, कुछ में आत्मविश्वास दिखता है, पर कुछ में लाचारी दिखती है, लाचारी, बेबसी। अब क्या ही कर सकते हैं यार, आई मीन जस्ट लुक एट हिज फेस, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, पलट पलट के अपनी इमोजी बनवा ली इन्होंने। क्या से क्या हो गया, खाओ मां कसम, मैं बता रहा हूँ, इस पूरे रोड शो में एक मोमेंट तो ऐसा होगा जब मोदी जी कर रहे होंगे, अरे ढंग से पकड़ो कैसे चल रहा है, एंड व्हाट ही इज एक्चुअली थिंकिंग। इस पार्टी से भी पलटी मारना पड़ गई तो एक काम करता हूँ, हाथ हिला देता हूँ, ये लो, बंदा सूखी रोटी खा के गरीबी में जी ले, पर ये सिचुएशन नहीं, नहीं, नहीं। And for so long we are talking about Mr. Jay Shah. You know, he's a young, dynamic guy. We all know that. Come on. That much we can buy. कि चलो, ठीक है। पर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। भारत को वर्ल्ड कप दिलाए। अभी वर्ल्ड कप कब जीत लिया हमने? कब? जय शाह। युवा जिन्होंने क्रिकेट में बहुत योगदान दिया, बहुत छोटी उम्र में दिया। मतलब आप बीजेपी के डाई हार्ड फैन हो, आई लव यू मोदी जी आहा वाले, फिर भी आप इस पर यकीन नहीं करोगे। दिस स्टेटमेंट विल इंसल्ट योर इंटेलिजेंस, जस्ट लिसन टू हिम। आपने ऑब्जर्व किया होगा
अच्छा काम कर। जया शाह बहुत भले आदमी है, बहुत अच्छे, सबसे मिलनसार हैं, सबकी साथ में लेके चलने वाले टीम वाले हैं। यार भला आदमी तो मैं भी हूँ, मिलनसार भी हूँ, मैं सबको साथ भी लेके चलता हूँ, मुझे बना दो सर। लिसन टू इट, इट्स रियली फनी। परिवारवादी हैं, अमित शाह के बेटे हैं, क्रिकेट का कुछ नहीं पता उनको। ये कौन सा गुनाह है? और उनको बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना दिया, ये क्या गुनाह है? किसी का बेटा होना कोई गुनाह नहीं, वो अपनी काबिलियत पे वहां पर है। वो सब ठीक है, पर ये वर्ल्ड कप कब आ गया यार? भारत को वर्ल्ड कप दिलाए और वो पूछ भी नहीं रहा भाई कि सर वर्ल्ड कप तुमने जीता ही नहीं था। एनीवे, दैट वाज अ जोक बाय मिस्टर अनुराग ठाकुर। नाउ वन मोर, ये तो बहुत ही फनी था, एंड इट वाज बाय मोदी जी। आर यू बहना, जस्ट लिसन टू इट। क्या बोल रहे हैं सर? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। लोग ये सब बातें सुन के वोट कर भी रहे, अच्छी बात है, चलने दो, जनता का राज है, जो जनता डिसाइड करे, हम तो बस आपको बता रहे हैं। वैसे मिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी का बेटा होना कोई गुनाह नहीं, वो अपनी काबिलियत पे वहां पर है। सही बात है, पर ये अपोजिशन पार्टी के बारे में नहीं सोचते, हम किसी पार्टी पूरी की साइड नहीं है, बट हाँ डिबेट की बात चल रही है बिटवीन मोदी जी एंड मिस्टर राहुल गांधी, होनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हर बार हर इलेक्शन के पहले होनी चाहिए, केजरीवाल जी की भी करवा दो, बहुत मजा आएगा। देख छोटे, डिबेट बराबर वालों के साथ होती है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो? तो हाँ उनकी तो कम है, पर डिबेट होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। नाउ द वीडियो इज ओवर एंड आई नो फ्यू ऑफ यू विल टाइप दिस। आई नो। अरे इस बार तो बीजेपी का आना है, आएगा, पैसा है उनके पास, पर आपके पास शेयरिंग पावर है। शेयर दिस वीडियो विद 5 पीपल, लव यू 3000। तो करना, मैं ऑमलेट खाऊंगा।